You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। गाला 8% से फॉल करता है क्योंकि लीडरशिप टीम 130 मिलियन डॉलर के टोकन्स के थेफ्ट डिस्प्यूट से जूझती है। इथेरियम के कोफाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन मेकर डीईओ पोजीशन को एग्जिट करते हैं। टेथर का मार्केट कैप स्लिप करता है क्योंकि स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम शिफ्ट होती है। 52% टर्क क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है कुकॉइन की स्टडी। जेपी मॉर्गन कहता है कि एसईसी अब स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव करने के लिए फोर्स की जाएगी ग्रेस्केल के विन के बाद। रॉबिनहुड फॉर्मर एफटीएक्स सीईओ एसबीएस से 606 मिलियन डॉलर के डील में 55 मिलियन शेयर्स एक्वायर करता है। बिटकॉइन होल्डर्स की पॉपुलेशन स्पेन की पॉपुलेशन के ज्यादा हो चुकी है जब यह आंकड़ा 48.5 मिलियन से बढ़ चुका है। डीफाई टोटल वैल्यू लॉग 2 साल के लो तक पहुंच चुका है। यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रॉन डेसेंटिस बिटकॉइन डिक्लेरेशन पब्लिश करते हैं। फाइनेंस के सीजेड कहते हैं कि बिटकॉइन ट्रेसेबल है। क्रिप्टो में ग्लोबल इंटरेस्ट 5 साल के लो तक पहुंच चुका है। मेजर क्रिप्टो करेंसी अपडेट। बिट ब्राउजर के स्टोलन फंड्स कंसीलमेंट प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर दिए जा चुके हैं। गाला गेम्स के सीईओ एरिक सेचनायर ने एक लॉसूट फाइल किया जिसमें कि एलिजेटली कंपनी के कोफाउंडर थनोर ने 8.465 बिलियन गाला टोकन्स वर्थ 130 मिलियन डॉलर के चोरी किए। कोफाउंडर थनोर ने काउंटर अटैक करते हुए बताया कि सेचमेयर ने 6 मिलियन डॉलर के गाला टोकन्स को बैन कर दिया गया जो कि शेयर होल्डर्स के एसेट्स थे। विटालिक ब्यूटेरिन जो कि इथेरियम के कोफाउंडर है ने अपने मेकर डाओ टोकन का रिमेनिंग स्टेक बेच दिया है। ऑनचेन एनालिटिक्स फर्म इथरस्कैन के द्वारा शेयर किया गया कि ब्यूटेरिन ने 500 MKR टोकन्स को सेल किया जो कि वो पिछले 2 साल से होल्ड कर रहे थे। टेथर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन ने पहली बार मार्केट कैप में डिप देखा पिछले 9 महीनों में। डिक्लाइन तब आता है जब स्टेबल कॉइन इकोसिस्टम सिग्निफिकेंट चेंजेस के थ्रू जाती है जिससे कि क्रिप्टो मार्केट की डायनामिक्स चेंज हो जाती है। कुकॉइन के मोस्ट रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार टर्की में क्रिप्टो ट्रेंड एस्टिमेट किया जा रहा है कि 52% लोकल्स 18-60 के एज में ऑलरेडी बिटकॉइन या अल्टरनेटिव कॉइन्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। ये फिगर 2021 के नवंबर में 40% था जो कि दिखाता है कि टर्की ग्रेट इंटरेस्ट दिखा रहा है डिजिटल एसेट्स को एम्प्लॉय करने में ताकि वो पिछले कुछ सालों में आया हुआ इन्फ्लेशन को फाइट कर सके। ऐसे जगह स्लाइटली कोई चांस नहीं रहेगा लेकिन उसे स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव करना पड़ेगा ग्रेस्केल के विक्टर के बाद। जेपी मॉर्गन के अकॉर्डिंग 31 अगस्त के एक रिसेंट ब्लॉग क्लोज में ये पता चलता है कि रॉबिनहुड ने सक्सेसफुली 55.2 मिलियन शेयर्स खरीद लिए एस्टिमेटेड 606 मिलियन डॉलर के जबकि उन्होंने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ अपनी फाइलिंग दर्ज की। नंबर ऑफ लोग जो कि बिटकॉइन होल्ड कर रहे हैं एक नए माइलस्टोन तक पहुंच चुका है जिससे कि पूरी स्पेन की पॉपुलेशन को इसने सरपास कर दिया है जिसकी वैल्यू 47.5 मिलियन है। रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार अब मोर देन 48.5 मिलियन बिटकॉइन होल्डर्स है इस वर्ल्ड में। टोटल वैल्यू लॉक टीवीएल डीफाई में रिसेंटली ड्रॉप हो चुकी है 37.7 बिलियन डॉलर्स में जो कि इसे 2 साल में सबसे लोएस्ट पॉइंट का दर्जा दिया जा सकता है। डेटा आता है डीफाई लामा के द्वारा। इथेरियम लिक्विड स्टेकिंग प्रोटोकॉल लीडो लार्जेस्ट डीफाई प्लेटफॉर्म है जो कि टोटल वैल्यू लॉग में 14 बिलियन डॉलर्स को ऐड कर रहा है।